बेरिस्ता मटन या भुने हुए प्याज की मटन बनाने के लिए मटन ले लिया मैंने 1 किलो, और उसके साथ 4 बड़े साइज के ऑनियन को पतला पतला कट कर लिया। इसका बेरिस्ता बनाएंगे सबसे पहले। तो मटन को साइड में रख के सबसे पहले हम बेरिस्ता बनाएंगे। तो भुना प्याज या बेरिस्ता बनाने के लिए ऑयल ले लिया मैंने 1 कप भर के, और खूब अच्छे से गरम कर लिया। अब मैं डाल दूंगी ये पतला पतला कट किया हुआ ऑनियन। अभी फुल फ्लेम पे फ्राई करूंगी जब तक एकदम गोल्डन कलर का ना हो जाए ऑनियन का। तो ऑनियन एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया। अब मैं निकल लूंगी। तो 15 मिनट लगा फ्राई करने में, इतना ही टाइम लगता है। अभी ठंडा होने के बाद धीरे धीरे एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। तो थोड़ा ठंडा होते ही ऑनियन क्रिस्पी भी होने लगता है। तो ऑनियन को साइड में रख के सेम ऑयल में अभी मैं फ्राई करूंगी लहसुन। लहसुन अच्छे से फ्राई कर लिया मैंने। सेम ऑयल में 6 ग्रीन चिली भी फ्राई करूंगी। तो लहसुन के साथ साथ ग्रीन चिली भी फ्राई कर लिया। 2 मिनट फ्राई कर लिया, ज्यादा नहीं फ्राई करने की जरूरत है। हल्का सा भुनने के बाद अब ये सारा मसाला ठंडा होने के बाद इन सब का हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। साथ में हम ले लेंगे अदरक। सारा मसाला ठंडा होने के बाद मैंने एक मिक्सर जार में ले लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच तक पानी और इन सब का फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो फाइन पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। तो फाइन पेस्ट को भी साइड में रख के अभी मटन बनाने की तैयारी करूंगी। तो एक प्रेशर कुकर ले लिया मैंने, उसमें जो बेरिस्ता फ्राई किया था उसी ऑयल को ले लिया मैंने 4 चम्मच भर के। अब उसमें मैं डाल दूंगी 2 तेज पत्ता, 2 टुकड़ा दालचीनी के, 5 ग्रीन इलायची, 4-5 लौंग और 1 चुटकी जीरा। तो मसाला अच्छे से फ्राई होते ही मैं इसमें डाल दूंगी मटन। तो मटन डाल के 2 मिनट अच्छे से भून लिया मटन को। तो मटन भूनते मैं डाल दूंगी ये मसाला। तो मसाला डाल के मिक्स कर दिया। अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के, और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी नमक 1 चम्मच भर के। ये है मम्मी वाला प्यार, नमक स्वाद अनुसार। इन सब को मिक्स करूंगी। सारा मसाला हल्का सा भूनते ही मैं इसमें डाल दूंगी दही। 1 कप भर के दही डाल दूंगी और मिक्स करूंगी अच्छे से। तो दही डालने के बाद अच्छे से भून लिया, सारा मसाला अच्छे से भून लिया। मसाले से ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी 1 कप तक, जो इसमें मसाला लगा हुआ था वो सारा धो के ही। तो अभी मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के 4 सीटी आने तक पकाऊंगी। तो 4 सीटी आने तक मैं पकाई, मटन मेरा एकदम अच्छे से गल जाएगा। अब मैं डाल दूंगी ऊपर से 1 चम्मच भर के मटन मसाला और मिक्स कर दूंगी। तो मसाला डाल के मिक्स कर दिया। अभी 2 मिनट फुल फ्लेम पे पकने देंगे। तब तक मैं एक पैन में घी गरम करूंगी। गैस ऑन करके एक छोटा सा पैन ले लिया मैंने, उसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के घी। तो घी गर्म होते ही मैं डाल दूंगी खूब सारा करी पत्ता, और करी पत्ता और घी को मटन के ऊपर डाल दूंगी। मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और
और ऊपर से मैं डाल दूंगी फ्रेश धनिया पत्ता भी। मिक्स करके 2 मिनट फुल फ्लेम पे पकाऊंगी, उसके बाद मैं गैस बंद करके मटन की प्लेटिंग करूंगी। तो प्लेटिंग कर दिया मैंने, थोड़ा सा बेरेस्ता देके गार्निशिंग कर दिया मैंने। तो बन के रेडी हो चुका है भुना प्याज की मटन या बेरेस्ता की मटन। तो बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से बनता है, जो एकदम नए नए कुकिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इजी लगेगा। और बना के खाने के बाद कमेंट में मुझे जरूर बताना कैसा था आज का मेरा ये रेसिपी, एकदम सिंपल और इजी झटपट बनने वाला। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।